भाजपा और उसके नेता भोली भाली जनता को राम के नाम पर भैरा फुसला कर कैसे ना कैसे करके सत्ता में तो आ गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा नेताओं ने जो गुंडागर्दी और दरिंदगी मचाई है उसकी कोई बराबरी नहीं है। एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, वहीं दूसरी तरफ खुद उनके ही नेता अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं भाजपा का नेता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भाजपा नेता के ऊपर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। और ये बात हम सब नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं भाजपा नेता के बच्चे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध मौत कुछ दिनों पहले हुई थी और अब इसी मामले में एक और हैरतअंगेज खुलासा हुआ है, जिसमें खुद भाजपा नेता की बड़ी बेटी ने कहा है कि पापा ने मुझसे स्कूल जाते समय कहा था कि बेटी जब तुम लौट कर आओगी तो तुम्हारी माँ मरी हुई मिलेगी। जिसके बाद अब जमकर भाजपा नेता की चारों तरफ थू थू हो रही है और लोग योगी जी से पूछ रहे हैं कि क्या यही है आपका राम राज्य, जहाँ आपके खुद के नेता ही अपनी पत्नी की हत्या कर दे रहे हैं। वहीं अब भाजपा नेता की बेटी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें रोते हुए वो अपने पापा पर अपनी माँ की मौत का इल्जाम लगा रही है, जो आपको देखना चाहिए। आप एक बार वीडियो देखिए और सुनिए कि ये मासूम क्या गुहार प्रशासन से लगा रही है। आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि तब तुम स्कूल से वापस आओगी, तुम्हारी माँ को मरी मिलेंगी। लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। सुना आपने दोस्तों, किस कदर रो रो कर एक बेटी अपनी माँ की मौत का इल्जाम अपने ही बाप पर लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने वीडियो के आधार पर अब श्वेता के पति दीपक सिंह, ससुर रिटायर्ड DIG राज बहादुर सिंह, जेठ और सास के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की नए सिरे से जांच भी शुरू कर दी है, पर फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं श्वेता सिंह की मौत को लेकर उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी खुशदिल बेटी को पति द्वारा आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व अनैतिक रूप से बेटा पैदा करने के लिए सिलसिलेवार किए जा रहे उत्पीड़न के चलते मारा गया है। परिवार आज भी यही मानकर चल रहा है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया है और उनकी हिम्मती दुलारी बिटिया श्वेता कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है। बता दें कि कथित खुदकुशी से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर श्वेता सिंह गौर ने अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंतिम पोस्ट में लिखा था कि घायल नागिन, घायल शेरनी, अपमानित स्त्री से हमेशा डरना चाहिए। वहीं मृत श्वेता के भाई ओमकार सिंह का कहना है कि इस दौरान दीपक सिंह ने उससे ये कहते हुए कुछ समय जब उसकी बहन जिंदा थी कि ये धमकी दी थी कि मेरे पिताजी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और मैं स्वयं BJP का कद्दावर नेता हूँ, अगर मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा तो मेरे खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा और मैं इसको मार कर दूसरी शादी कर लूंगा। ये बात सुनने पर हमने दीपक सिंह को बहुत समझाया, जिस पर वह चुपचाप सुनता रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा और उसके नेताओं के इरादे किस कदर बढ़ चुके हैं और जो अब सत्ता हाथ आ जाने के बाद खुद की पत्नी का ही कत्ल कर रहे हैं और खुले में कह रहे हैं मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं भाजपा का नेता हूं। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।